फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में इससे पहले हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखें। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम मेमोरी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज के लेक्चर नंबर 10 में हम मेमोरी यूनिट्स को देखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आप डेली लेक्चर का पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 9 में हमने इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। उसके बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे जो मैं आज डिस्कस करूँगा। आज भी हमने 20 से 25 क्वेश्चन को लिया है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CDR? इसके ऑप्शन है कैरिड डिस्क रीडेबल, दूसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सी है यानी थर्ड कैरिड डेटा रिकॉर्डेबल और डी है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। तो जो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेकंड नंबर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और R यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिकॉर्डेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये टेराबाइट कंप्राइजेस डैश, यानी टेराबाइट को किससे कंपेयर कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है ए 1025 बाइट, बी 1024 बाइट, सी 1024 बिट्स और डी होता है 1024 गीगाबाइट्स। तो जो 1 TB इक्वल होता है 1024 गीगाबाइट्स के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1024 गीगाबाइट्स। यह सारे ही मेमोरी के यूनिट्स हैं, मेमोरी मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। बाइट हो जाएगा, बिट्स हो जाएगा, गीगाबाइट्स हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है हमारी। और ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 NIBL में कितने बिट होते हैं, तो 1 NIBL में 4 बिट होते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, वर्चुअल मेमोरीज डैश, इसके ऑप्शन है ए मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द CPU यूजेज एन एक्सटेंडेड रैम, बी एक्सेस द पेज टेबल, सी CPU जनरेट्स ए फिजिकल एड्रेस, डी ऑटोमेटिक स्टोरेज एलोकेशन। तो जो वर्चुअल मेमोरी होता है हमारा, मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट CPU यूजेज एन एक्सटेंडेड रैम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन DVD वी स्टैंड फॉर, इसके ऑप्शन हैं ए वीडियो, बी वर्सटाइल, सी बोथ ए एंड बी, डी वॉलेटाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वर्सटाइल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रिविएशन MB यूज फॉर, MB को क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शन से ए मेगाबिट, बी मिलियन बाइट्स, सी मेगाबाइट्स, डी मिलियन बिट्स। तो जो MB होता है वो हमारा होता है मिलियन बाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मिलियन बाइट्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम गिवन टू द टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया दैट वेब ब्राउजर यूजेस टू स्टोर पेजेस एंड ग्राफिक्स दैट इट हैज़ रिसेंटली ओपन। तो इसके ऑप्शन है ए निशे, बी वेब स्पेस, सी
कैसे डी सेलर, जो हमारा वेब ब्राउज़र यूज़ करता है, तो ग्राफिक्स और स्टोर करता है जो भी हमारा टेम्प्रोरी स्टोरेज जो होता है हमारा, तो इसका जो टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है उसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं। और कैशे मेमोरी क्या होता है, सबसे फास्टेड होता है, यानी कि ये बहुत ही स्पीड से वर्क करता है। जैसे बाकी मेमोरी से हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो टाइम लगता है, लेकिन कैशे मेमोरी से अगर एक्सेस कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट टर्म में ही हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कैशे मेमोरी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। अभी मैंने आपको बताया था 1 निबल कितने बिट्स के इक्वल होते हैं, तो इसको ऑप्शन से ए 4 बिट्स, बी 8 बिट्स, सी 12 बिट्स, डी 16 बिट्स। तो 1 निबल जो हमारा इक्वल होता है 4 बिट्स के इक्वल होता है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है ए हो जाएगा, 4 बिट्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क एक्सेस टाइम्स आर मेजर इन डैश। तो जो इसके ऑप्शन से ए मिनट, बी मिली सेकेंड, सी आवर्स, डी सेकेंड्स। तो जो डिस्क एक्सेस टाइम्स जो मेजर करते हैं वो मिली सेकेंड्स में मेजर करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई ए यूज़र हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट। इसके ऑप्शन से ए कुकीज, बी प्लगइन्स, सी स्क्रिप्ट्स और डी एएसपीएस। तो जो इसका ऑप्शंस हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शंस है कुकीज़। तो जो कुकीज़ होता है, कुकीज़ आर यूज टू आइडेंटिफाई यूज़र हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुकीज़। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हार्ड डिस्क फाइल आर कंसीडर डैश स्टोरेज। तो इसके ऑप्शन से ए नॉन वोलेटाइल, सेकेंड है फ्लैश, थर्ड है हमारा नॉन नॉन परमानेंट, डी है टेम्प्ररी। तो जो हार्ड डिस्क फाइल होता है उसको हम नॉन वोलेटाइल कंसीडर करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए डैश यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कौन सा मेमोरी यूनिट होता है वो लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करता है लार्ज स्टोरेज इंफॉर्मेशन के लिए। तो पहला ऑप्शन से हार्ड डिस्क, दूसरा है एक्सटेंडेड डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी ईडी रोम, तीसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम, और चौथा है फ्लॉपी डिस्क। तो जो हमारा लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, हमारा सीडी और डीवीडी में यूज़ होता है, उसको हम ऑप्टिकल स्टोरेज भी बोलते हैं, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सारे ही ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज यानी कि उसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, उस पर लेज़र बीम्स के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीडी रोम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सीडी हो गया, तो इस पे क्या होता है कि लेज़र के थ्रू ही डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे डीवीडी में तो 3-4 लेयर्स होती हैं, उसको कई बार ऐसी भी सीडी आती हैं जिसको एक बार अगर डेटा स्टोर कर दिए फिर उसको लेज़र बीम्स के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कीजिए फिर उसमें डेटा स्टोर कीजिए, 3-4 बार यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को यूज़ करके हम इसको स्टोरेज का भी बढ़ा लेते हैं। ये सारा हमारा लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा, सीडी रोम। आगे देखते हैं, 12 नंबर, फास्टेस्ट मेमोरी। इसके ऑप्शन से ए कैशे मेमोरी, सेकेंड है रैम, थर्ड है वर्चुअल और फोर्थ है एचडीडी। तो मैंने आपको बताया था कैशे मेमोरी सबसे फास्ट होता है, ऊपर अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि कैशे होता है सबसे फास्टेड, तो फास्टेस्ट मेमोरी हमारा हो जाएगा कैशे मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कैशे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ बिट रेफर्स टू डैश, तो इसके ऑप्शन से इफ फ्रॉम ऑफ स्टोरेज ए वैल्यू इक्वल टू किलोबाइट, द सेम थिंग एज ए पिक्सल, द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन का यानी मेमोरी का,
हमारा बिट होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई आपका सजेशन हो तो वो भी हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेमोरी स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड द डेटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाई सीपीयू। तो इसके ऑप्शन है ए सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, बी प्राइमरी और मेन मेमोरी, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड नॉट प्रोसीडर डायरेक्टली सीपीयू, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को तो स्टोर करता ही है और वो सीपीयू के द्वारा प्रोसीड नहीं किया जाता, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए डिस्क कंटेन डेट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट कैन बी चेंज और इरेज बाई द यूज़र। यानी कि कौन सा डिस्क होता है जो मैन्युफैक्चर के टाइम में स्टोर किया जाता है, उसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है, इरेज भी किया जा सकता है यूज़र के थ्रू। तो इसका जो ऑप्शंस हैं, ए राइट ओनली, बी रीड ओनली, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज यूजेज ए मॉस कैपेसिटर एज इट्स मेमोरी सेल। इसके ऑप्शन हैं ए एस रैम, बी डी रैम, सी रोम, डी फीफो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रैम हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये जो हमारा फीफो होता है, ये हम फ्लिप फ्लॉप वगैरह में यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वो पहले बाहर भी जाएगा, ये फीफो होता है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, डी रैम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड डैश। तो 1 बाइट में कितना कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन है 3 1 2, बी 2 5 5, सी 1 0 2 4, डी 1 0 2 5। तो 1 बाइट में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, 0 से लेकर 255 तक रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 255। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज ए टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डैट इरेज डेटा इन यूनिट कॉल्ड ब्लॉक्स। इसके ऑप्शन है ए फ्लैश मेमोरी, बी वर्चुअल मेमोरी, सी बफर, डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बफर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। इसके ऑप्शन हैं ए फॉर्मेटिंग, बी ट्रैकिंग, सी अलॉटिंग, डी नन ऑफ दी अबव। तो जो फॉर्मेटिंग प्रोसेस होता है उसमें हम डिस्क को क्या करते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द एबिलिटी ऑफ द ऑफ ए डिवाइस टू जम्प डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। इसके ऑप्शन है ए सिक्वेंशियल एक्सेस, बी रैंडम एक्सेस, सी क्विक एक्सेस, डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस। इसमें हम डायरेक्टली जंप करके कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि सिक्वेंशियल में ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया था सिक्वेंशियल, इससे पहले लेक्चर जो मैंने कंप्लीट किया था उसमें सिक्वेंशियल मेमोरी को बताया था कि क्या सिक्वेंशियल मेमोरी में हम सिक्वेंशियली डेटा को स्टोर करते हैं, डायरेक्टली जंप करके एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस इज द एबिलिटी ऑफ द डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा, जबकि सिक्वेंशियल में ऐसा नहीं होता है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल कौन सा है पूछ रहा है, तो इसके ऑप्शन है ए मैग्नेटिक डिस्क, बी मेमोरी डिस्क, सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डी नन ऑफ द एबम। तो जो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल होता है डीवीडी होता है, तो डीवीडी का ही फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी भी होता है इसका एग्जाम्पल, तो इसमें सीडी दिया नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द हार्डवेयर इन विच डेटा मे बी स्टोर फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड डैश। इसके ऑप्शन से ए रजिस्टर, बी बसेस, सी कंट्रोल यूनिट, डी मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ डैश। तो एक बाइट में कितना होता है, इसके ऑप्शन से ए 4 बिट्स, 12 बिट्स, 6 बिट, 8 बिट्स। तो एक बाइट में 8 बिट्स होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ई ए आर ओ एम स्टैंड फॉर। तो इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली अल्टर्ड रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एक्सेप्टेड रीड ओनली मेमोरी, सी है इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिकली अल्टर्ड रीड ओनली मेमोरी, और डी है इलेक्ट्रिकली अल्टर्ड रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किस मेमोरी में होता है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कैशे मेमोरी में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैशे मेमोरी हो जाएगी, क्योंकि फास्टेड होता है और शॉर्टेड एक्सेस टाइम भी इसमें होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा यहीं तक था, और हमने आज तक जितने भी लेक्चर के थियरी पार्ट किए हैं उसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा, और जो लर्न करने वाला है उसे लर्न कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।